फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओड और लिरिक के बीच का अंतर। ये लिटरेरी फॉर्म्स में से हमारा टॉपिक है ओड एंड लिरिक, द डिफरेंस बिटवीन ओड एंड लिरिक, कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते कि दोनों का डिफरेंस क्या है। दोनों म्यूजिकल कंपोजिशन है, लेकिन दोनों के अंदर कुछ असमानताएं तो कुछ समानताएं हैं। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट साथियों, लिरिक इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन। जो लिरिक होती है वो क्या होती है, एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, एक संगीतात्मक रचना होती है। ये संगीत के बेस्ड पर रची हुई एक रचना होती है। साथियों, जो लिरिक शब्द है, मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, जो लिरिक शब्द है ये ग्रीक के शब्द लायर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका मतलब होता है। साथियों, जैसे ओड होती है, ओड क्या होती है, ओड एक म्यूजिकल कंपोजिशन होती है, लिरिक भी म्यूजिकल कंपोजिशन होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिरिक की। तो जो लिरिक है, ये लिरिक को लिया गया है ग्रीक के वर्ड लायर से, इसको लिया गया है। जो ग्रीक वर्ड है हमारा लायर, उससे हमने इस को लिया है। ये देखने में कैसा होता है, कुछ इस तरह की शेप होती है, और ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था ग्रीक में, तो उससे इसको लिरिक शब्द को लिया गया। और जो ओड शब्द है, द वर्ड ओड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ओइडी, और जो ओड शब्द है उसको ग्रीक के शब्द ओइडी से लिया गया, जिसका मतलब होता है सिंग और चैंट। लायर का मतलब अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जबकि ओड का ओइडी जो है, ओइडी शब्द का मतलब टू सिंग और चैंट, किसी चीज़ को गाना या किसी का जाप करना, ये ओइडी कहलाया। अब लिरिक जो होती है, लिरिक इज सब्जेक्टिव इन मूड। जो लिरिक होती है वो सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिगत होती है, वो राइटर की पर्सनल लाइफ बेस्ड होती है। और जबकि जो ओड होती है वो कंपोजिशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी, वो एक यथार्थ को दर्शाती है और जो वास्तविकता है उसको दर्शाती है, जो ओड होती है। अब बात करें लिरिक की, लिरिक इज़ कम्प्लीटली पर्सनल, ये पूरी तरह से पर्सनल व्यक्तिगत है, वाइल ओड इज़ इम्पर्सनल, जबकि ओड जो होती है वो इम्पर्सनल होती है। फिर हम बात करते हैं लिरिक इज स्पॉन्टेनियस, वाइल ओड इज़ अ प्लैंड कंपोजिशन। जो लिरिक होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, उसके अंदर स्पॉन्टेनिटी हमें दिखाई पड़ती है लिरिक के अंदर। और जबकि जो ओड है ये एक वेल प्लैंड होती है, मतलब लिरिक अपने आप में एक स्वाभाविक होती है, और जबकि जो ओड है वो एक वेल प्लान्ड होती है, सुनियोजित ये रचना होती है जिसको हम पहले से योजनाबद्ध तरीके से तैयार करते हैं। लिरिक इज अ सिंपल इन डिक्शन, वाइल ओड इज डिग्निफाइड। जो लिरिक की भाषा शैली की अगर जो हम बात करें, तो लिरिक की जो भाषा शैली होती है वो बहुत सिंपल होती है, उसके अंदर सिंप्लिसिटी होती है, और जबकि ओड की भाषा जो होती है वो बहुत शानदार होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है। हम बात करते हैं थीम की, द थीम ऑफ ओड इज डिग्निफाइड एंड सीरियस, वाइल लिरिक इज फिलोसॉफिकल। जो ओड की थीम होती है वो बहुत गंभीर विषय पर लिखी जाती है, गंभीर मुद्दे पर लिखी होती है, और जबकि लिरिक की जो थीम होती है वो दार्शनिक विषय पर लिखी होती है, और ये बहुत ज़्यादा दार्शनिक होती है। अगर जो हम बात करें मेन पोइट्स की, तो रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे वो एक्सपर्ट्स थे इन द कंपोजिशन ऑफ ओड एंड लिरिक, दोनों की कंपोजिशन में, चाहे हम ओड की बात करें, लिरिक की बात करें। और साथ ही उनमें सबसे टॉप पर अगर जो हम बात करें, तो इनमें पी बी शैली और जॉन कीट्स का नाम सबसे ऊपर आता है, अगर जो हम इसकी बात करें, रोमांटिक ओड्स और लिरिक्स की बात करें साथियों। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन लिरिक एंड ओड, कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट हापुड़।